यहाँ से पुनः हम आपको बता रहे हैं क्या करना है इसमें। जैसे हरी पे अति मेंटेनेंस फंक्शन पर हम आए हैं, पिछले अति में हमने बताया कि मेंटेनेंस फंक्शन कितना जरूरी है, तभी जीव जीवित रह सकता है ना। फॉर मेंटेनेंस फंक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी शरीर में रिपेयरिंग के लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। What is the source of energy for living world? Food. What is the source of energy? Food. What is the source of energy for living world? Food. Food क्या है? Food का definition हमने दिया था। The organic or inorganic matter taken by living organism to get energy for proper growth and reproduction is known as food. Food may be organic or inorganic, but usable food by living organism is only organic. As for example, plant takes food in the form of inorganic matter, है ना? Inorganic matter के रूप में plant अपने environment से फूड लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में, बट प्लांट डू नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली। सो दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द्वारा यूजेबल फॉर्म में उसको चेंज कर लेता है और तब उसका यूज करता है। द एक्सेस ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज इन रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। यही तो कारण है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके रूट को खाया जाता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके स्टेम को फूड के रूप में हम लोग खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके फ्रूट को हम लोग खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके लीव को हम लोग खाते हैं, है ना। यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में वह फूड स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। अब वहां पर यानी फूड में जो एनर्जी अब निहित हुई, उसी एनर्जी का उपयोग हम लोग अपने फिजिकल और वाइटल एक्टिविटी को करने के लिए यूज में लाते, यानी मेंटेनेंस फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम फूड। अब भोजन को शरीर में लेना, भोजन लेता है कोई जीव, जिस रूप में कोई जीव भोजन लेता है उसी रूप में उसका उपयोग नहीं करता, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, यूजेबल फॉर्म में चेंज करना होता है ना। और यूजेबल फॉर्म में चेंज होता है तब वह हमारे सेल्स में पहुंच जाता है ना। यानी ये जो सेल्स में भोजन पहुंचा यूजेबल फॉर्म में चेंज होने तब, और जो अनवांटेड फूड बचा उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी भोजन लेना शरीर में प्रवेश करना, उसको शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देना है ना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसको बाहर निकाल देना, ये सब ये तीन प्रक्रिया कलेक्टिवली न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन है। भोजन जो हमारे सेल्स में पहुंचा उस भोजन में जो एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर है उसका उपयोग हमारा शरीर या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता। सो इट इज एसेंशियल टू स्प्लिट अप द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड, है ना, दैट इज इन द सेल, सेल के अंदर जो भोजन है उसको टूटना पड़ेगा, फॉर विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर में होता है रेस्पिरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसलिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन होना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, सिंस ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक हिस्से में ना तो निर्मित हो सकता है और ना ही सिंथेसाइज यानी निर्मित हो सकता है और ना ही एब्जॉर्ब हो सकता है, अवशोषित हो सकता है। बट द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज थिंग्स इज फॉर ऑल से ऑफ अवर या ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज इसेंशियल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे आर दे हैव टू बी यूज, जहां पर इन सब्सटेंस का यूज होना होता है वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ये सब काफी जरूरी है, इसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। नाउ अंत में आप सोच के देखें, ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस सेवरल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग विच अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक वॉक्स गैसियस मास आर फॉर्म्ड। गैसियस मास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फाइबर बनता है जो रेस्पिरेशन के उपरांत निकल जाता है एक्सहेलेशन द्वारा। लेकिन नाइट्रोजनस वास प्रोडक्ट जो सेल्स में बनते हैं वो इजी वे में बाहर नहीं निकल सकते, है ना, ऐसे नहीं बाहर निकल सकता, है ना। इसलिए उस मेटाबॉलिक वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को माने बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है, यानी थ्रोइंग द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस और nitrogenous waste from our body is essential because they are toxic in nature. ये जहर जहरीले होते हैं, if they are accumulated in our body then they get death. So the last life process is excretion, that is the process of throwing out of metabolic waste from our body.